तो आज के हमारे हलवाई वही है मोहन भाई, जो हमें हर बार सिखाते हैं। मोहन भाई ने काफ़ी कुछ बताया हमारे को और आज सिखा रहे हैं भैया यहाँ छोले भटूरे के छोले बनाना। तो भैया ने यहाँ पर सबसे पहले लिया है प्याज और टमाटर, इनको यहाँ पर किया जाएगा कुकर में पहले बॉईल। इसमें दो सीटी लगाई जाएंगी, तो भैया को पहले बॉईल करने देते हैं, उबालने देते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको आगे की प्रोसेस। जो प्याज और टमाटर हमने बॉईल किया था, इनको अब मिक्सी में पीसा जाएगा, इसकी ग्रेवी बनाई जाएगी पतली एकदम। तो ये देखो भैया इनको पीसने वाले हैं अब, भैया जार में भर रहे हैं इनको, जो हमने बॉईल किया था पहले टमाटर और प्याज को अच्छे से पहले बॉईल कर लिया, ढक्कन लगाया, अब जार में करेंगे पिसाई। ठीक है, तो ये हमारी पिसकर तैयार हो चुकी है ग्रेवी प्याज और टमाटर की। ये देखो भाई साहब, अब इसको डालेंगे तेल में, फ्राई होने के लिए इसको तेल में डालेंगे फ्राई होने के लिए। तो दिखाते हैं आपको आगे की प्रोसेस जब इसको तेल में डाला जाएगा। तो भैया ने पहले डाल दिया यहाँ पर रिफाइंड ऑयल, अब डालने वाले भी यहाँ पर गर्म मसाला, जिसमें लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, और अब डालने वाले भैया इसमें जीरा एक चम्मच, सब एक ही चम्मच यहाँ पर यूज किया भैया ने। अब डालने वाले भी यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट दो बड़े चम्मच, देखो किस तरह उफान मार रहा है क्योंकि तेल काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो तेल की मात्रा कैसे रखनी है, मतलब फुल फ्लेम पे पकाना है आपको, तेज़ आज रखनी है आपको तेल की, और अच्छे से पकाना है आपको यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट को पहले। तो भैया वो पकाने देते हैं यहाँ पर, जब भैया इसमें कुछ ऐड करेंगे तब आपको दिखाएंगे आगे, अभी तो कुछ भी ऐड नहीं होगा इसमें। इसके बाद ग्रेवी जाएगी, इसके बाद तो 5 मिनट पकाऊंगा इसको पहले। हाँ, तो भैया पहले 5 मिनट पकाएंगे, उसके बाद दिखाते हैं आपको जब इसमें ग्रेवी ऐड की जाएगी। इसको ना आपको बीच बीच में देखते रहना है और पानी भी डालते रहना है इसमें, ताकि जो लहसुन का पेस्ट है वो नीचे चिपक नहीं जाए, तो इसलिए आपको चलाते रहना है और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है इसमें। तो करने देते हैं भैया को इसको थोड़ी देर और, फिर जब ग्रेवी डालेंगे तब आपको आगे दिखाएंगे। तो ये पेस्ट रेडी है हमारा, अब डाल रहे हैं इसमें टमाटर और प्याज की ग्रेवी जो हमने शुरुआत में उबाली थी। तो आज सीख रहे हो आप स्पेशल होटल स्टाइल में, दुकान स्टाइल में या छोले भटूरे वाले छोले बनाना, जो कि आपने कई बार बाज़ारों में खाए होंगे, किस तरह बनाते हैं वही रेसिपी है छोले भटूरे की। तो देखो किस तरह का रंग आ चुका है एकदम टमाटर का यहाँ पर लाल। अब इसके बाद क्या ऐड करोगे, अब ये ग्रेवी पकाई जाएंगी 10 से 15 मिनट के लिए। अब थोड़ा पानी ऐड कर रहे हैं भैया इसमें, ये देखो आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकाया जाएगा। तो पकाने देते हैं भैया को, और फुल आँच कर देनी है आपको जी भैया। हाँ, तो आँच फुल कर देनी है आपको इसकी, उसके बाद दिखाते हैं आपको आगे जब ये पक जाएगा। यहाँ पर हमारी ग्रेवी पकाते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब डालने वाले मसाले, भैया डाले 2 चम्मच हल्दी, 3 चम्मच हल्दी डाली भैया यहाँ पर, उसके बाद डालने वाले भैया यहाँ पर धनिया पिसा हुआ, ये भी 3 चम्मच 3.5 चम्मच भैया यहाँ पर पिसा हुआ धनिया डाला है, उसके बाद डालेंगे भैया यहाँ पर देगी मिर्च, ये कितनी 12 चम्मच 4, 5, 6, 12 चम्मच बोल रहे हैं भैया, तो डालने देते हैं भैया को 12 चम्मच करीब यहाँ पर डालेंगे देगी मिर्च, उसके बाद डालेंगे कस्तूरी मेथी, कस्तूरी मेथी ऐड हो गई इसमें, अब इसको अच्छे से मिलाएंगे, अच्छे से मिलाया जाएगा इसको। उसके बाद डालेंगे इसमें चना मसाला पूरा 1 पैकेट, हाँ ये कितना 100 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम पूरा 100 ग्राम का आपको चना मसाला डालना है MDS का, बिक गया इसमें चना मसाला पैकेट 100 ग्राम का। अब इसको अच्छे से मिलाया जाएगा और पकाया जाएगा 10 मिनट के लिए, 8 मिनट आधा घंटा पकाया जाएगा इसको। तो भैया को करने देते हैं और आधे घंटे तक इसको पकाने देते हैं, जब ये पककर तैयार हो जाएगा उसके बाद क्या ऐड करेंगे, तो कम्प्लीट है फिर कम्प्लीट है। तो करने देते हैं भैया को यहाँ पर, तो देख सकते हो हमारी ग्रेवी बनकर तैयार हो चुकी है। भैया को पकाते पकाते कम से कम 30 मिनट हो चुके हैं, हमारी यहाँ पर छोले भटूरे की ग्रेवी बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसमें ऐड किया जाएगा कुछ भी, अब इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा भैया, नमक डलेगा। अच्छा, और छोले डलेंगे, छोले बाद में डलते हैं। अच्छा, जब कोई आता है कस्टमर आता है, तो कोई कस्टमर आता है तब भैया यहाँ छोले ऐड करते हैं। अभी ये ग्रेवी बनकर तैयार हुई सिर्फ, तो आपने देखी यहाँ पर छोले भटूरे की ग्रेवी है वो कैसे बनती है, इसको हम और चीज़ में भी काम ले सकते हैं। हाँ, किस चीज़ में काम ले सकते हैं इसमें, अपन पनीर के लिए भी ले सकते हैं, मगर उसमें और कुछ मिलाना पड़ेगा। अच्छा, क्या मिलाना पड़ेगा इसमें, मगज है, खसखस है, अच्छा वो मूँगफली के दाने हैं, अच्छा वो मिलाने, तो छोले, अच्छा इसी में मिलाने। तो आपने देखा छोले भटूरे की हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है, जब कोई कस्टमर आएगा तो इसमें हम छोले डालकर ऐड कर देंगे, क्योंकि पहले से नहीं मिलाते, वरना जो वो उसका क्या होता है छिलका, वो पूरा बिखर जाएगा,
जब कोई कस्टमर आएगा तो उनमें डालकर उसको रखा जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई आपको तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।